श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। आज हयग्रीव स्तोत्र पर प्रारंभ करते हैं। हयग्रीव स्तोत्र पांच पांच श्लोक एक एक प्रवचन में करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और पहला श्लोक यह है, सब लोगों को मालूम है, आबाल गोपाल विदित ये श्लोक है। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ये हयग्रीव भगवान किस प्रकार विराजमान हैं, हमारे लिए ध्यान के लिए आलंबन किस प्रकार बन सकते हैं, इसे मन में रखते हुए ये प्रारंभ श्लोक रचित करते हैं वेदांत देशिक स्वामी जी। ज्ञानानन्दमयः, ये ज्ञान और आनंद यही स्वरूप है परमात्मा का। स्वरूप भगवान का स्वरूप क्या है? ज्ञान और आनंद। ज्ञानानंदमयम, ज्ञानानंदमयम यानी ज्ञान प्रचुर और आनंद प्रचुर, यानी पूरा ही पूरा ज्ञान स्वरूपी है और आनंद स्वरूपी है, ऐसा मय मय शब्द का मतलब है। यानी हिरण्मय यानी पूरा सोना से बनी हुई, हिरण्मय पुरुष ऐसा, जैसे मयह मयट प्रत्यय बोलते हैं संस्कृत में, वो मयट प्रत्यय का उपयोग इधर हुआ है। ज्ञानानंदमय आनंदमयोभ्यासात, सूत्रकार भी ब्रह्म सूत्रकार भी आनंदमय शब्द से परमात्मा को बोलते हैं, और यहाँ ज्ञान और आनंद दोनों के ऊपर मयट प्रत्यय आकर ज्ञानमय आनंदमयश्च, ज्ञानमय है और आनंदमय भी हैं, और स्वयं आनंदी हैं तो दूसरों को आनंद प्रदान कर सकते हैं, स्वयं ज्ञान स्वरूपी हैं तो दूसरों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान और आनंद दोनों ही हम लोगों को प्राप्य है। सदा के लिए हम चाहते तो यही दो हैं, ज्ञान मिले और आनंद मिले, और ज्ञानानंद स्वरूपी जो भगवान हैं उनके सिवाय और कोई इसे हमें प्रदान नहीं कर सकते हैं। ऐसे ज्ञानानंदमयम देवम, देवम दिव लीला, लीला करने वाले हैं, बहुत सारी लीला अवतार लेने वाले हैं, और अनेकानेक बहूनि में व्यतीतान जन्मानि तवचार्जुना के आधार पर बहुत अवतार लेने वाले भगवान देव शब्द से बोले जाते हैं। दिव्य क्रीडायाम, ऐसा धातु से देवहा शब्द निष्पन्न होता है, उसके ऊपर द्वितीय विभक्ति आकर देवम, ऐसे देवम। और निर्मल स्फटिकाकृति, वो कैसे हैं? निर्मल स्फटिक, ऐसा कोई स्फटिक नहीं है जो मल के साथ हो, यानी निर्मल ही रहता है वो स्फटिक मणि, कभी भी उसमें उसमें कुछ मिलावट नहीं होती है, इसलिए शुद्ध ही रहता है। शुद्ध स्फटिक शब्द से आगे के श्लोक में भी बोलने वाले हैं। ऐसे निर्मल निर्मल स्वच्छ स्फटिक, स्फटिक मणि जैसा सफेद विराजमान है, ऐसा चकाचक विराजमान है, वो चकाचक बोलते हैं ना हम लोग, वैसे चकाचक विराजमान जो भगवान है सफेद निर्मल स्फटिक, जिस प्रकार हमें दिखाई देगा उस प्रकार, और निर्मल स्वरूपी जो भगवान हयग्रीव मूर्ति हैं, और जो सर्वविद्यानाम आधारम, सभी प्रकार की विद्या का आधार हैं, और संस्कृत के लिए ही हैं, और पुराण इतिहास के लिए ही हैं, वेद के लिए ही हैं, ऐसा नहीं है, जितनी भी विद्या इस दुनिया में हैं, और टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, और अलग अलग प्रकार के साइंस क्यों ना हो, सब प्रकार के ज्ञान के लिए वही आधार हैं, वही प्रदान करने वाले हैं, प्रदान कर सकते हैं। ऐसे जो सर्वविद्यानाम आधारम, ऐसे कौन है वो? हयग्रीवम, हय यानी घोड़ा जैसा मुख, जिसका है घोड़ा मुख, अश्वमुखी देवता, श्वेताश्वतर उपनिषद जो कहता है, श्वेताश्वतर और श्वेत अश्व जो सफेद घोड़ा है, सो सफेद घोड़ा उस नाम से भी एक उपनिषद है, इसलिए ऐसे श्वेताश्व रूपी जो देवता है, सफेद घोड़ा मुख देवता है, उस देवता को उपासन करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि वो साक्षात्कार करना चाहिए उस परमात्मा को, जो वेदांत देशिक जी इस भगवान का साक्षात्कार किए हैं। तिरुवहींद्रपुरम स्थान है, पांडिचेरी के नजदीक में है, वहाँ रहने वाले जो भगवान हैं, और वहाँ पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो हयग्रीव भगवान विराजमान हैं, वहाँ बैठकर वेदांत देशिक जी ने तपस्या किया है,
गरुड़ भगवान आकर गरुड़ मंत्र दिए हैं, गरुड़ मंत्र का उपदेश लेकर गरुड़ मंत्र का जप किए हैं, तब भगवान गरुड़ प्रसन्न होकर हयग्रीव मंत्र का प्रदान किए हैं। उस प्रकार भगवान हयग्रीव का साक्षात्कार करके ही इतना ज्ञान प्राप्ति वेदांत देशिक स्वामी जी ने किया है। इसलिए उन्होंने हयग्रीव भगवान की स्तुति जब साक्षात्कार हुआ तभी ये स्तुति की रचना किए हैं। ऐसे इस स्तुति से हम लोगों को भी ज्ञान प्राप्ति हो, इसलिए इस स्तोत्र का पारायण अनिवार्य रूप से श्री वैष्णवों से किया जाता है, सैकड़ों सालों से किया जा रहा है। उसे अपने हिंदी भाषी लोग भी जरूर अपनाएं और जरूर प्रवचन करें और अर्थ के साथ समझ लें, स्वयं भी दूसरों का उपदेश प्रदान करें। ऐसी भावना से मैं इस स्तोत्र का संस्कृत अनुवाद हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, हिंदी में व्याख्यान कर रहा हूँ। आप सब इससे लाभान्वित तो हो जाएं, बस यही मेरी शुभकामना है। फिर से एक बार श्लोक पढ़ेंगे। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतिम् आधारम सर्व विद्यानां हयग्रीवमुपास्महे स्वतः सिद्धं शुद्ध स्फटिक मणि भूभृत प्रतिभटं सुधा सद्रीचिभिः द्युतिभिरवदत त्रिभुवनम् अनन्तैस्त्रय्यन्तैरनुविहितहेषाहलहलं हताशेषावद्यं हयवदनमीडी महिमाम् स्वतः सिद्धम्। ये देवता स्वतः सिद्ध देवता है। स्वतः सिद्ध देवता का मतलब स्वयंभू है। हम स्वयंभू शब्द को ज्यादातर जानते हैं, स्वतः सिद्धम शब्द नया शब्द का उपयोग करेंगे तो हमें समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए वो स्वयंभू शब्द का ही एक दूसरा पर्याय शब्द का उपयोग किए हैं। स्वतः सिद्धम, स्वतः सिद्धम शुद्ध स्फटिक मणि भूभृत प्रतिभटम। शुद्ध स्फटिक का एक पहाड़ हो तो किस प्रकार रहेगा, उसके समान विराजमान है शुद्ध स्फटिक मणि भूभृत। मणि भूभृत, भूभृत यानी भूमि को धारण करने वाला, पर्वत भूमि को धारण कर रहे हैं, भूमि तो पर्वत को धारण कर रहा है, ऐसा प्रश्न आप कर सकते हैं, परंतु ये जो है ना, ये अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है। भूमि नहीं है तो, अगर भूमि के ऊपर पर्वत नहीं हो तो भूमि घूमती रहेगी, तेजी से घूमेगी। उसको कंट्रोल करने की वजह से भूधर को, अर्थात पर्वत को भूधर शब्द से कहते हैं। और भूधरम यानी शुद्ध स्फटिक मणि भूभृत, भूभृत भूभृत भूधर सब अलग एक ही है, पहाड़ है, उसके समान विराजमान है मणिभूभृत प्रतिभटम। सुधा सद्रीची भी द्युति भी अवदात त्रिभुवनम। उसका जो किरण है, तेजस है, किस प्रकार का तेजस है, उसके लिए कहते हैं सुधा सद्रीची भी, सुधा सदृश ही अमृत के समान, ऐसा मतलब है। सद्रीची भी का मतलब सदृश, ऐसा मतलब है। सुधा सद्रीची भी अमृत के समान रहने वाले सुधा द्युति भी, उसकी तेजस से, तेजस पुंजों से अर्थात अंग्रेजी में बीम बोलते हैं, अर्थात तेजस के किरणों के द्वारा अवदात त्रिभुवनम। ये तीनों लोगों को, भूर भुवः सुवः, ऐसा तीनों लोगों को सफेद बना डाला है, यानी चमकने वाला बनाया है। इस तीनों लोगों को प्रकाशित कर दिया है अपने तेजस के द्वारा, वो भी किस प्रकार के तेजस, यानी सुधा सदृच भी अमृतमय किरणों के द्वारा, यानी अमृत किरण ही तो चाहिए हम लोगों को, अमृतमय किरण की जरूरत। जो अमृतंगमय है, मृत्योर्मा अमृतंगमय है, ऐसा जो अमृत शब्द है, वही उसी की प्राप्ति के लिए तो हमें तड़पन है, एक प्रकार की तड़पन है। और हम शरीर धारण नहीं कर पाते हैं, अगर कई लोगों को हम देखते हैं ज्ञान नहीं है तो कितने बड़ी तकलीफ होता है मन में, अर्थात दुख होता है। और इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम तड़पन तो रखना ही चाहिए। इसे हम जब भी हम खेडूतों को देखते हैं, और खेडूत क्या, वो खेडूत यानी किसान, हिंदी गुजराती शब्द प्रयोग कर लिया, और किसान लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो मेरी हालत तुझे नहीं हो भाई, तू पढ़ाई लिखाई कर दो, ऐसा प्रार्थना बच्चों से करते हैं। और इतना ही नहीं, टीचर के सामने भी जाकर बोलते हैं मेरी जैसी हालत ना हो जाए तो इसको थोड़ा पढ़ा लेना। तो अर्थात ज्ञान की तड़पन कितना है दुनिया में, वो हमें स्पष्ट मालूम होता है। ये भगवान
हयग्रीव भगवान के बिना ये दुनिया अंधेरा में था, डूबा हुआ था। भगवान उसको तीनों लोगों को अपनी तेजस के द्वारा पूरा पेंटिंग कर डाला, सफेद पेंटिंग कर डाला, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, चमकीली हो जाए, ऐसा सुंदर बना दिया है। ऐसे जो भगवान है, सुधा सदृचि विद्युत भी अवदात त्रिभुवनम अनंत ही त्रयंत ही अनुहित हेषा हलहलम। अनंत ही यानी एंड नहीं है, अनेक प्रकार के त्रयंत ही वेदवाणियों के द्वारा अनंत ही त्रयंत ही यानी कितने अनंता वे वेद आहा, ऐसा वेद अनंत है ऐसा कहा जाता, वेद स्वयं कहता है अनंता वे वेद आहा। तो अनंत ही वेदांत ही त्रयंत ही वेदांत शास्त्रों के द्वारा यानी सहस्र शाखोपनिषद बोलते हैं, सहस्र शाखा वाले जो उपनिषद हैं सामवेद के बारे में बोलते वक्त एक एक वेद में अनेक शाखाएं थी, अनेक उपनिषदों थी, अनेक उपनिषदों के द्वारा अनुहित हेषा हल हलम है। और जब हल 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 ये घोड़ा का शब्द है, घोड़ा के मुंह से आने वाला शब्द को ह्रेषा बोलते हैं, हेषा बोलते हैं, हेश ह्रेष अव्यक्त शब्द है, ऐसा धातु है अव्यक्त शब्द, जो व्यक्त शब्द नहीं है, जो स्पष्ट नहीं मालूम होता है, ऐसे पक्षियों की आवाज और प्राणियों के आवाज को अव्यक्त शब्द शब्द से बोलते हैं। कूजनम ऐसा कूजित है, यानी कूजनम यानी बर्ड्स का चिर्पिंग साउंड को कूजनम बोलते हैं, वो भी अव्यक्त शब्द है। हेषा हल हलम, हेषा शब्द का मतलब है घोड़ा का जो आवाज है उसे हेषा शब्द से बोलते हैं। जो अव्यक्त शब्द है वो हल 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 ऐसा आता है, तो वो क्या है, वेद के वेद वाक्यों के पीछे ये शब्द भी ध्वनित हो रहा है, का मतलब है हयग्रीव भगवान जब भी वेद पारायण वेद बोलेंगे तब हेषा शब्द से वो हमें समझ में आता है। वो हताशेषावद्यम सब लोगों के जो दोष है उसे निर्मूलन करने वाला, दूर करने वाला है। हत अशेष अवध्यम, इस भगवान को एक बार स्मरण कर लें तो अपना सब पूरा पाप दूर हो जाता है। हत अशेष अवध्यम हयवदनम महा, ये हयग्रीव हयग्रीव हयवदन यानी हय हयास्य हयवदन, वदनम का मतलब है मुख है, हयमुखी देवता है जिसका मुख हय है घोड़ा है, ऐसा हयमुखी देवता जो हयवदनम महा तेजस जो है वो ईडी मही उसे हम ध्यान करते हैं, स्तोत्र करते हैं, ईड स्तुत धातु है, स्तुति करते हैं, पहले ध्यान करते हैं ऐसा बोले, इस श्लोक में स्तुति करते हैं ऐसा बोलते हैं। किस प्रकार की देवता की स्तुति करते हैं, जो स्वतः सिद्ध है और शुद्ध स्फटिक मणि प्रतिभट है का समान है, शुद्ध स्फटिक मणि से रचित एक पर्वत के समान विराजमान है, सुधा सदृशि विद्युत भी अवदात त्रिभुवनम, जो तीनों लोगों को अपनी सुधा सद अमृतमय किरणों के द्वारा प्रकाशित कर डाला है, अर्थात जैसे ही हयग्रीव भगवान हुए तब से तीनों लोग भूर्भुवः स्वः सफेद होने लगा, प्रकाशित होने लगा, ऐसा मतलब है। अनंत ही त्रयंत ही अनुहित हेषा हल हलम, वेद सब उनके हल हल शब्द को दोहराता है। और वेद जो वेद और कुछ नहीं है, वेद भगवान हयग्रीव भगवान का हल हल शब्द का अनुकरण है, ऐसा तात्पर्य है, ये भी अर्थ है। अनंत त्रयंत ही त्रयंतों के द्वारा अनुभित है, अनुभित यानी क्या है, और पीछे से बोल रहा है, किसे बोल रहा है, जिस हयग्रीव भगवान का हल हल शब्द है उसी को वेद भी स्वयं बोलता है। यस्य निश्वसितं वेदाः, जिस भगवान का श्वासोच्छ्वास ही वेद माना जाता है, ऐसे भगवान का जो हेला हल हल शब्द का अनुकरण करने वाला जो वेद है, और ऐसे भगवान हताशेषावद्यम जो सभी प्रकार के दोषों को हमारे दूर कर दिए हैं, ऐसी जो महा तेजस है, उस तेजस महा शब्द नपुंसकलिंग होने की वजह से महा ये भी नपुंसकलिंग में द्वितीय विभक्ति में आया है, इस प्रकार की हयवदन देवता को हम ईडी मही स्तुति करते हैं, ऐसा तात्पर्य है श्लोक का। आगे का श्लोक समाहार साम्नाम प्रतिपदमृचाम धामयजुषाम लय प्रत्युहानाम लहरी विततिर्बोध जलधेः कथा दर्पक्षुभ्यत् कथक कुल कोलाहल भवम हरत्वंतर्ध्वांतम हयवदन हेषा हल हलाम। ये जो भगवान हयग्रीव हैं साम्नाम समाहारः, सामवेदों का एक ग्रुप है, सामवेदों का एक
मिलन है, समाहार हा, सभी सामवेदों का एक इकट्ठा किया हुआ एक ग्रंथ है, ग्रंथ स्वरूपी हैं वो भगवान हयग्रीव हैं। ऋचाम प्रतिपदम, ऋग्वेद का एक पर्याय पद है, ऋग्वेद पूरा ऋग्वेद क्या है, हयग्रीव को ही बताता है, सब वेद हयग्रीव भगवान को ही बताते हैं, इसलिए ऋग्वेद भी वही करता है। ऋचाम प्रतिपदम, ऋग्वेद का अंतर्निहित तत्व ही हयग्रीव है। ऋचाम प्रतिपदम यजुषाम धाम है, यजुर्वेदों का एक वासस्थान है, यजुर्वेद जो भगवान का वासस्थान है, यजुषाम धाम है, अरे भगवान यजुर्वेद में सदा विराजमान है, इसलिए यजुर्वेद का धाम है। प्रत्युहानाम लयः, और हमारे हमारे भक्तों के लिए जो भी प्रतिबंध आता है हर क्रिया में, उसका प्रत्युहानाम लयः उसको दूर करने वाली है, उसका लय का कारण है, प्रत्युह का लय, जहाँ प्रत्युह लय हो जाते हैं अर्थात प्रतिबंध सब दूर हो जाते हैं, वो भगवान हयग्रीव ही उसका कारण है। बोध जलते है लहरी तति ही, ज्ञान समुद्र का ये लहर है, लहर यानी हिंदी में भी इस शब्द का हम उपयोग करते हैं, लहरी वितति ही, लहर का, लहरों का एक लंबा लहर है, ये किसका लंबा लहर है, ज्ञान समुद्र का लहर है हयग्रीव भगवान। और बोध जल दे है लहरी वितति ही, हयवदन हेशा हलहारा, उस प्रकार विराजमान हयग्रीव भगवान का हेशा शब्द जो है, कदा दर्प क्षुभ्य कथक कुल कोलाहल भवम, वाद करने वाले जो हैं उन लोगों का जो अहंकार है उसे जो बहुत ही तकलीफ में हैं, और ऐसे वादियों को ग्रुप में जो हल हल मचता है, हम जीत जाएंगे ऐसा, और उन लोगों के जो मन में रहने वाला अंतर्द्वांतम अज्ञान रूपी जो तमस को हारत दूर करना है, यानी अज्ञान की वजह से तो कोलाहल होता है, मैं जीत जाऊंगा ऐसा, यह वाद प्रतिवादी लोग दर्प के अपने अहंकार की वजह से अहंकार में डूबे हुए रहते हैं, उनका जो अंतर्द्वांत है अज्ञान रूपी तिमिर है उसको हरतु दूर करें, ऐसी प्रार्थना इसमें किया गया है। समाहार सामनाम प्रतिपदम ऋचाम धाम यजुषाम लय प्रत्युहानाम लहरि वितर्बोध जलथे कथा दर्प क्षुभ्यत कथक कुल कोलाहल भवम हरत्वंतर्द्वांतम हयवदन हेशा हल हल प्राची संध्या काचिदंतर्निशायाः प्रज्ञा दृष्टेरंजन श्रीर पूर्वा वक्त्री वेदान भातु मे वाजिवक्त्रा भागी साख्या वासुदेवस्य मूर्तिः। अब हयग्रीव भगवान का स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये भगवान हयग्रीव जी की जो मूर्ति है वो प्राची संध्या प्राग दिशा में जो होने वाला सूर्य उदय है, और उस प्रकार प्राची संध्या काचिद अंतर्निशायाः अर्थात अपने अंदर अपने हृदय के अंदर रहने वाला जो अंधकार है अज्ञानांधकार है उसको दूर करने वाली एक प्राची संध्या है, प्राग दिशा में उदित सूर्य के समान संध्या है, सूर्य उदय होते वक्त जब प्रातः संध्या होती है प्रातःकालीन संध्या, उसी प्रकार प्राग दिक यानी पूरब दिक में होने वाली एक संध्या है अर्थात इतना चमक है और चंद्र किरण जैसा है, सूर्य किरण जैसा नहीं है परंतु प्राची संध्या है। काचिद अंतर्निशायाः और अंधकार निशा को दूर करने वाली ही है ना प्राची संध्या, ऐसा तब तो निशा कहाँ है ऐसा प्रश्न है, तो हमारा जो हृदयांधकार है अज्ञान अंधकार है उसी को दूर करने के लिए ये प्राची संध्या उदित है, ऐसा वर्णन करते हैं अर्थात प्राची संध्या के रूप से रूप का अलंकार है, निरूपण करते हैं। तब तो प्राची संध्या है तो निशा होनी चाहिए, कौन सी निशा को दूर करने के लिए ये प्राची संध्या आई, हयग्रीव रूपी प्राची संध्या आई, तो उसके लिए बताना है कि अपना अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए आई है, वो तो बाह्य अंधकार को दूर करता है सूर्य भगवान,
आंतरिक अंधकार को दूर करने में तो वो असमर्थ हैं। इसलिए हयग्रीव भगवान एक दूसरी प्राची संध्या के रूप से अवतीर्ण हैं, उदित हैं, जो अपने हृदय में रहने वाला अंधकार को, अज्ञानांधकार को दूर कर सकते हैं। प्रज्ञा दृष्टे हे अंजन शरीर पूर्व, अर्थात हम कई तत्वों को जानने के लिए अपने सामान्य ये आंख असमर्थ है, इसलिए हम शास्त्र रूपी चक्षुष से देखते हैं। उसी प्रकार मंत्रवादी क्या करता है कि सुदूर में रहने वाला जो तत्व है उसको देखने के लिए एक प्रकार का काजल इस्तेमाल करता है। उस काजल को अगर अपने आंख में अगर उसको प्रयोग करके बाद में देखेगा तो उसको स्पष्ट चीज भी, बहुत दूर में होने वाले प्रक्रियाएं भी उसको नजर के विषय बन जाते हैं, वो देख पाता है उसे। इसलिए उस प्रकार हमारे लिए भी प्रज्ञा दृष्टे है, प्रज्ञा रूपी जो दृष्टि है अर्थात ज्ञान रूपी जो दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि के लिए और ज्ञान से सबको जानने के लिए अर्थात आंख इत्यादि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान तो हमारे लिए बहुत उद्धारक नहीं है। और इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्ति करते हैं, वो कोई इतना बड़ा तत्व नहीं है। तो अर्थात अगर आंख अंदर बंद करके बैठेंगे तो भी रंगनाथ जी का दर्शन होना चाहिए। जब आंख से रंगनाथ जी को दर्शन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम अकेले में बैठे हैं तभी भी स्मरण करके, रंगनाथ जी को स्मरण करके भी हम साक्षात्कार कर पावे, जिसके लिए ही तो मंदिर जाते हैं। उसी प्रकार प्रज्ञा रूपी जो दृष्टि है अर्थात ज्ञान दृष्टि जो है, ज्ञान दृष्टि से बड़े लोग देखते हैं ना, उस ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करना है तो उसके लिए एक अलग प्रकार का काजल चाहिए। ऐसा अपूर्वा अंजनश्री ही, सफेद रहने वाला अंजनश्री है। काजल तो सब जगह पे तो काला ही रहता है, काजल काला रहता है, परंतु ये जो है काजल ये सफेद काजल है। भगवान हयग्रीव रूपी जो काजल है वो प्रज्ञा दृष्टे है अपूर्वांजन श्री ही। हम अभी तक अनुभव नहीं किए हैं आप, इसलिए वो अपूर्व है। पूर्व अनुभूत तो जो भी है काजल वो काला रहता है, ये तो सफेद रहने की वजह से अपूर्वा शब्द से इसे कहते हैं। और वेदान भक्त्री, सब वेदों को बोलने वाला है ये देवता, बोलने वाली देवता है। वेदान भक्त्री, सब सामान्यतः वक्ता होना चाहिए, स्त्रीलिंग में वक्त्री होनी चाहिए। ये देवता होने की वजह से वेदान भक्त्री, वक्त्री वेदान, वाजिवक्त्रा देवता, वाजिवक्त्रा, वाजी यानी हाथी घोड़ा है, वाजी वक्त्रा, वक्त्रम यानी मुख है, अर्थात घोड़ा मुखी जो देवता है, भातु में वाजी, भातु में, मैं भातु, मेरे हृदय में सदा वो विराजमान रहें और मेरे हृदय में सदा वो विराजमान केवल नहीं, मेरा दृष्टि का भी विषय बने। और वक्त्री वेदान भातु में वाजिवक्त्रा, कौन सी देवता है? वागीशाख्या, उसका नाम है वागीश है, वाक का ईश, वागीश अर्थात वाणी का ईश है वागीशाख्या। और वो क्या है, नया है, नया नई देवता है क्या? कोई आप कोई परिकल्पित किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो वासुदेव भगवान की ही अपरा मूर्ति है, और वासुदेव भगवान की दूसरी मूर्ति है वासुदेवस्य मूर्ति ही, विष्णु से अतिरिक्त नहीं है। जैसे नरसिंह भगवान विष्णु से अतिरिक्त नहीं है, जिस प्रकार कृष्ण भगवान विष्णु से अतिरिक्त नहीं है, उसी प्रकार हयग्रीव भगवान भी विष्णु से अतिरिक्त नहीं है, विष्णु का ही एक स्वरूप है जो घोड़ामुखी है। और ये देवता ज्ञान प्रदान करने वाली है। कैटभ मधु कैटभ दोनों को की हत्या करके ब्रह्मा जी को वेद को वापस देने वाली देवता है, इसलिए इसकी स्तुति करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जो ज्ञान प्राप्ति के लिए तड़पन रखते हैं वो तो विशेष रूप से करते हैं। प्राची संध्या काचिदंतर्निशाया प्रज्ञा दृष्टे हे अंजन शरीर पूर्व, वक्त्री वेदान भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या।
वासुदेवस्य मूर्तिः विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम् विज्ञान विश्राणन बद्ध दीक्षम् दयानिधिं देहभृतां शरण्यम् देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। यानी ये देवता हमारे हृदय में सदा विराजमान हो, ऐसा बोलकर उनको साक्षात्कार करने की चेष्टा करने के बाद उसको ध्यान करना चाहते हैं, उनको ध्यान करके प्रपदन करना चाहते, शरणागति करना चाहते हैं। जिस किसी भी देवता को हम किसके लिए ध्यान करते हैं, वो साक्षात्कार हो जाए, हमारे दृष्टि के विषय बन जाएं। दृष्टि के विषय क्यों बनना है, उनका साक्षात शरणागति कर लें, उनके चरणारविंद में गिर पड़े, तब जाकर हम लोगों को प्राचीन कर्मों को नष्ट करके हमें मोक्षांत संपत्ति को प्रदान में वो देवता समर्थ हो जाए। हमारी तरफ से एक एक प्रयत्न तो होनी चाहिए। इसलिए विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम, विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम, विशुद्ध जो एक भी दोष के बिना रहने वाली है, दोष रहित है, विशुद्ध है। विज्ञान घन स्वरूपम, ज्ञान घन स्वरूपम, ज्ञान घन यानी ज्ञान ही है पूरा, और ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है उस देवता में। अच्छा, विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विश्राणन बद्ध दीक्षम, विज्ञान को सबको देने के लिए कटिबद्ध है ये देवता बद्ध कंकण है, आपने प्रतिज्ञा कर बैठी है, हाथ में बद्ध कंकण का मतलब है ये काम पूर्ण करने तक मैं विराम नहीं लूंगा, ऐसा जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसी प्रकार ये देवता सबको ज्ञान प्रदान करके बिना मैं विरत नहीं हूंगा, ऐसा करके ये देवता सबके लिए ज्ञान को विश्राणन करने में अर्थात बांटने में लगी हुई देवता है, कटिबद्ध देवता है, प्रतिबद्ध देवता है अपने वचन के ऊपर। विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विश्राणन बद्ध दीक्षम दयानिधिम, यानी हम अप्रोच कर सकते हैं या नहीं, यार इतना तो ज्ञान देने के लिए तैयार है, हम तो पैसा बहुत रखते हैं तो भी ज्ञान के लिए तड़पन भी रखते हैं। जिसके पास ज्ञान है वो पैसा के लिए तड़पन रखता है, जिसके पास बहुत पैसा है वो ज्ञान के लिए तड़पन रखता है। इस प्रकार जो लक्ष्मी जी की उपासना करके बहुत धन प्राप्त कर लिए हैं तो ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान मिल गया है हयग्रीव की उपासना करके, वेदांत देशिक आखिर तक अपने जीवन सादगी में बिताए हैं। और इस प्रकार परंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए ही ज्यादा इच्छा उत्सुक रहना चाहिए। दया निधि, इसलिए वो दया के निधि हैं, खजाना है, इसलिए जरूर देंगे। और ज्ञान वस्तुतः दो प्रकार के लोग हैं, दुनिया में भी देखिए, आप पैसा देंगे तो कोई नहीं देंगे, ज्ञान प्राप्ति करना है तो जरूर करवाएंगे, आपके लिए व्यवस्था करवाएंगे। ज्ञान के लिए तड़पन रखोगे तो ज्ञान पाओगे, परंतु लक्ष्मी के लिए तड़पन रखोगे तो लक्ष्मी नहीं पाओगे डायरेक्टली, ज्ञान प्राप्ति के द्वारा लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है। पहले ज्ञान प्राप्ति करो, बाद में लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है, परंतु लक्ष्मी प्राप्ति करके मैं ज्ञान प्राप्ति करूंगा ऐसा करके संभव ही नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, ऐसा करके विद्या से विनय प्राप्त करना है, विनय अगर प्राप्त नहीं किया तो विद्या विनय को प्रदान करके बिना वो असमर्थ हो जाती है आगे के कर्म में। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, विनय से उसके पास कैपेसिटी आती है, पात्रता आती है, पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्र होने की वजह से उसके पास धन आता है। धन से धर्म करना है तभी सुख मिलेगा, धन प्राप्ति करने के बाद भी अधर्म करेंगे तो असुख ही मिलने वाला है, दुख ही मिलने वाला है। इसलिए दयानिधि, दया का खजाना है। देहभृतां शरण्यम, जो भी देहधारी हैं, हम जैसे प्राणी हैं, हम जैसे जीव हैं, चेतन हैं, देहभृतां शरण्यम एक ही आश्रयणीय है, जिनके चरणारविंद में गिरने से ही हमें सब कुछ ज्ञान प्राप्ति भी हो सकती है। देहभृतां शरण्यम देवम हयग्रीवम अहम प्रपद्ये, वैसा लीला करने वाली देवता है, अनेक प्रकार के अपनी लीला, कोई भी देवता लीला नहीं करती है तो उसके लिए बड़प्पन नहीं रहता है इस दुनिया में। सब देवता की लीलाओं के बारे में अलग अलग किताब लिखी गई है, ये देवता ये लीला की, वो देवता ये लीला की, उसी प्रकार ये देवता भी अनेक प्रकार की लीलाओं का खजाना है। और इसलिए देवम, दिव क्रीडायाम धातु है, अनेक प्रकार की लीला करने वाली है, हयग्रीव भगवान को मैं प्रपद्ये, प्रपदन करते हैं, शरणागति करते हैं,
और हयग्रीव के पास एक बार शरणागति कर लिए तो उनको ज्ञान प्राप्ति में बहुत विलंब नहीं होने वाला है, ज्ञान प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तो ये हयग्रीव स्तोत्र बोलने वालों को सबको भगवान ज्ञान प्राप्ति करा रहे हैं, ये हम प्रत्यक्षतः देख रहे हैं। एक मेरा स्टूडेंट ने कहा, तो श्री वैष्णव लोग बहुत शास्त्रों का अभ्यास कर देते हैं, कैसे होता है मालूम है आपको? ऐसा मुझसे पूछा था। नहीं मालूम है, ऐसा तो मैंने नहीं महसूस किया है। आपने महसूस किया श्री वैष्णव लोग ज़्यादा पढ़ते हैं? हाँ बोले वो, हाँ श्री वैष्णव लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। क्यों भाई ऐसा वो प्रश्न पूछे तो मैं नहीं कह पाया। उन्होंने कहा हयग्रीव उपासना करते हैं श्री वैष्णव लोग, इसलिए ज्ञान प्राप्ति करते हैं। तब जाके मुझे समझ में आया कि छोटे उम्र में हमें भी हयग्रीव स्तोत्र पढ़ा लिए थे, शायद इसलिए थोड़ा 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 ज्ञान प्राप्ति होती होगी। तो इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय अंतर नहीं है। जिनको सरस्वती जी भी उपासना करते हैं ऐसे हयग्रीव भगवान ये हैं, ऐसा आगे भी श्लोक आने वाला है। ये सब हम आगे के उपन्यास में सुनेंगे। ये 5 श्लोक से इस उपन्यास को मैं विराम देता हूँ। कविता की सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।